दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में प्रिंटिंग की सेटअप सिखाने के लिए आप देख सकते हैं कि मैंने पहले से ही कुछ पेज यहां पर टाइप करके रखा हुआ है। तो चलिए प्रिंटिंग की सेटअप हम सीखते हैं। प्रिंटिंग की सेटअप के लिए यहां ऊपर आपको क्लिक करना पड़ता है फाइल टैब के ऊपर। जैसे ही आप फाइल टैब के ऊपर क्लिक करते हैं आपके सामने एक ऑप्शन खुल जाता है। इस ऑप्शन से आपको चूज कर लेना है प्रिंट और इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रिंट के ऊपर क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं कि आपके सामने प्रिंटिंग का सेटअप विंडो यहां पर खुल जाता है। यहीं से आप अपने प्रिंटिंग वाले पेज को सेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि अभी यहां पर दो पेज दिखाया जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने पेज के साइज को थोड़ा छोटा कर रखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जूम करने के लिए प्लस का साइन मिलता है और माइनस का साइन मिलता है। अगर आप प्लस पर क्लिक करते हैं तो आपके पेज का साइज बड़ा होगा, माइनस पर क्लिक करते हैं तो छोटा होगा। जैसे देखिए मैंने प्लस पर क्लिक करके अपने पहले पेज को बड़ा कर लिया। इसी तरह से अगर आप माइनस पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपके पेज का साइज छोटा हो रहा है और आपके वर्ड डॉक्यूमेंट में जितना भी पेजेज है वो सभी छोटे होकर नजर आने लगते हैं। तो यहाँ से आप अपने पेज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं और उसे देख सकते हैं ये प्रिंट होकर कैसा निकलेगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ आपको मिलता है पेज चेंज करने का ऑप्शन। अभी आप देख सकते हैं कि हम अभी पेज नंबर 1 पर है और टोटल आपके 6 पेजेस हैं और इसी के साइड में यहाँ आपको एक छोटा सा एरो की तरह बटन मिलता है। इस पर क्लिक करके आप अपने पेज को चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया ऊपर का, देख सकते हैं कि मेरे पेजेस जो है वो चेंज हो रहे हैं। फिर पीछे जाने के लिए इससे हम पीछे जा सकते हैं। अगला ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ मिलता है कॉपीज का। मान लीजिए कि आपका जो ये पेजेस हैं, टोटल 6 पेज है, आप चाहते हैं कि हर पेज का मुझे 5-5 कॉपी निकालना है। यानी ये पहला पेज भी 5 कॉपी निकलेगा, दूसरा पेज भी 5 कॉपी निकलेगा, तीसरा पेज भी 5 कॉपी निकलेगा, इसी तरह से आपके हर पेज 5 कॉपी निकलेंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलता है कॉपीज का। सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और जितने पेज आपको चाहिए यहाँ पर वो टाइप कर दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर 5 टाइप कर दिया। अब अगर मैं प्रिंट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो ये आपको जैसा दिखाई दे रहा है बिल्कुल ऐसा ही 1 से लेकर 6 तक जितने मेरे पेज हैं सभी के 5-5 कॉपी प्रिंट होकर निकल जाएंगे। अगला ऑप्शन यहाँ आपको मिलता है प्रिंट ऑल पेजेस का। अभी आपको अच्छी तरह से मालूम है कि मेरे पास टोटल यहाँ पर 6 पेजेस हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि इसमें से केवल ये पहला पेज प्रिंट करना चाहते हैं और ये तीसरा प्रिंट करना चाहते हैं और उसके बाद मान लीजिए कि ये चौथा भी प्रिंट करना है और उसके बाद ये लास्ट 6 नंबर पेज प्रिंट करना है। आपको ये 2 नंबर और ये 5 नंबर पेज प्रिंट नहीं करना है तो कैसे प्रिंटिंग करें? इसके लिए देखिए यहाँ आपको एक ऑप्शन मिल जाता है पेजेस का। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ जिस जिस प्रिंट पेज को प्रिंट करना है उस सिंपली यहाँ पर क्लिक करिए और उस पेज का यहाँ नंबर टाइप कर दीजिए। जैसे मुझे 1 नंबर करना है तो मैंने 1 लिखा। टाइप करने के बाद आपको कोमा देना है। कोमा देकर मुझे फिर 3 करना है तो 3 किया, फिर कोमा दीजिए। मुझे 4 करना है तो 4 नंबर पेज दिया। 4 के बाद मुझे 5 नहीं चाहिए, 6 चाहिए तो मैंने यहाँ पर 6 लिख दिया। इसके बाद अगर आप प्रिंट के ऊपर क्लिक करते हैं तो याद रखिएगा आपका केवल 1 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर पेज ही प्रिंट होगा। ये दोनों पेज जो है ये आपके प्रिंट नहीं होंगे। तो इस तरह से आपको जो भी पेज चाहिए यहाँ पर कोमा देकर आप टाइप करके लिख सकते हैं। अब अगली सेटिंग देखिए। अब मान लीजिए कि आपका जो पेज है, अभी आप देख सकते हैं कि आपके पेज ऐसे सीधा आ रहा है। मैंने अपने पहले वाले क्लासेस में बताया है कि पेज अगर ऐसे सीधा आए तो इसे पोर्ट्रेट कहते हैं। लेकिन कई बार आपको ऐसे सीधा प्रिंटिंग नहीं निकालना रहता है, आप चाहते हैं कि आपकी जो प्रिंटिंग हो रही है वो इस तरह से निकले। तो इस तरह के स्टाइल को हम लैंडस्केप कहते हैं। इसको आप यहीं से पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में चेंज कर सकते हैं। उसके लिए देखिए यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलता है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन का। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन के ऊपर क्लिक करते हैं आपके सामने एक छोटा सा मेनू खुलता है। यहाँ आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। पहला पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, यानी कि अभी पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में है इसलिए यह सिलेक्ट है। नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है लैंडस्केप ओरिएंटेशन का। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो देखिए ऊपर का जो पेज है ये लैंडस्केप में चेंज हो गया है। इसके साथ ही साथ आपके जितने भी पेज है सभी का ओरिएंटेशन चेंज हो चुका है।
दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है पेपर के साइज का। हर पेपर का अपना साइज होता है, ये डिपेंड करता है आपके काम के ऊपर कि आप काम क्या कर रहे हैं। नॉर्मली हम जो अपने प्रिंटर में पेज यूज करते हैं उसका साइज A4 होता है, तो इसलिए आपको अपने पेपर का साइज सिलेक्ट करना पड़ता है। उसके लिए आपको इस जगह पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं आपको तरह तरह के पेपर के साइज मिल जाते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि लगभग जितने भी तरह का पेपर होता है सभी का साइज आपको यहाँ पर अवेलेबल मिल जाता है। जैसे देखिए मेरा A4 साइज है तो मैंने अभी इसको सिलेक्ट करके रखा है। इसी तरह से आपके पेपर का जो भी साइज होगा आप सिंपली यहां से क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे समझाने के लिए मैं अभी A6 105x148 mm पर क्लिक करता हूं। जैसे ही मैंने इस ऑप्शन पर क्लिक किया है आप देख सकते हैं कि मेरे पेज का साइज जो है एकदम छोटा हो गया है और टोटल यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि अब मेरे पास 6 नहीं टोटल यहाँ पर देख सकते हैं कि 39 पेजेस हो गए हैं। यानी कि ये जो साइज है ये पेपर के साइज को छोटा कर देता है। दोबारा मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा और फिर से मैं इसको A4 साइज करूंगा तो आप देख सकते हैं कि फिर से ये जो है 6 हो चुका है। अगला ऑप्शन दोस्तों आपको मिलता है मार्जिन सेट करने के लिए। अभी आप इस पेज के ऊपर में देख सकते हैं खाली जगह है, इस पेज के लेफ्ट साइड में भी आपको कुछ खाली जगह नजर आ रहा है, राइट साइड में भी खाली जगह नजर आ रहा है। इसी तरह से अगर आप नीचे देखें तो इस पेज के यहाँ नीचे में भी आपको खाली जगह नजर आ रहा है, तो इसे ही हम मार्जिन कहते हैं। इस मार्जिन को आप यहीं से कम बेसी कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली आपको इस ऑप्शन के ऊपर में क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर पहले से बने बनाए कुछ मार्जिन मिल जाते हैं। अगर यहाँ से अगर आपका मार्जिन सेट हो जाता है तो सिंपली आप यहाँ से जिस मार्जिन को चाहते हैं उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। जैसे देखिए मैंने अभी नैरो पर क्लिक किया, जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करूंगा आप यहाँ देखिएगा क्लिक करने के बाद क्या होता है। देखिए जैसे मैंने नैरो पर क्लिक किया देख सकते हैं कि इसका मार्जिन जो नैरो यानी कि पतला हो चुका है। इसी तरह से मैं दोबारा यहाँ जाता हूँ मॉडरेट पर क्लिक करता हूँ, देखिए इसका मार्जिन इधर का चेंज हो रहा है मिरर। तो अलग अलग तरह के यहाँ पर मार्जिन आपको मिल जाते हैं, लेकिन आप चाहते हैं पहले जैसा था वैसा ही करना तो यहाँ आपको एक नॉर्मल मार्जिन का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे आप नॉर्मल पर क्लिक करते हैं आपका टेक्स्ट जो है नॉर्मल हो जाता है। मान लीजिए कि अगर मार्जिन आपको यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है आप और कम या बेसी करना चाहते हैं तो उसके लिए दोबारा आपको मार्जिन के ऊपर क्लिक करना है। यहीं से आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाता है कस्टम मार्जिन का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। कस्टम मार्जिन में आप अपनी इच्छा के अनुसार इसकी मार्जिन को सेट कर सकते हैं। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर कस्टम मार्जिन पर क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने कस्टम मार्जिन पर क्लिक किया है ये देख सकते हैं कि पेज सेटअप का यहाँ पर विंडो खुल चुका है। यहाँ पर अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं टॉप यानी कि ऊपर के मार्जिन को यहाँ पर आप टाइप करके कम बेसी कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ बॉटम लेफ्ट और राइट मिल जाता है। मान लीजिए अगर आपको टॉप का मार्जिन कम करना है तो उसके लिए सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर कम करना है तो इसे मैंने कर दिया 0.5 और उसके बाद ओके करना है। जैसे ही आप ओके करते हैं देख सकते हैं कि पेज के ऊपर का जो मार्जिन है वो कितना कम हो गया है। तो सिंपली आप यहां से अपनी इच्छा के अनुसार क्लिक करके कोई भी मार्जिन साइज जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों यहाँ आपको एक ऑप्शन मिल जाता है प्रिंटर प्रॉपर्टीज का। ये बहुत ही एडवांस ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैंने जो पेज बनाए थे वो रंगीन पेज है, हर पेज का अपना अलग अलग रंग है। तो मान लीजिए अगर आपको कलर प्रिंटिंग निकालना है तो यहाँ देख सकते हैं कि इस प्रिंटिंग सेटिंग में आपको यहाँ मिलता है कलर का ऑप्शन, आपको इस कलर वाले ऑप्शन के ऊपर टिक कर देना है। अगर आपको ब्लैक एंड व्हाइट ऑप्शन चाहिए तो यहाँ जो आपको ग्रे स्केल दिखाई दे रहा है ठीक इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है तो आपकी जो प्रिंटिंग है वो कलर ना होकर ब्लैक एंड व्हाइट निकलेगी। उसके लिए सिंपली इस बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं देखिए इधर आ गया और कलर पर क्लिक करते हैं तो ये इधर चला जाता है। दोस्तों याद रखिए कई बार ऐसा होता है कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से फोटो प्रिंट करके निकालते हैं और हमारा फोटो जो है अच्छा नहीं निकलता है, या फिर यूं कहें कि कई बार हम मोटा पेज जिसे फोटो पेपर कहते हैं उसमें प्रिंटिंग करके निकालते हैं लेकिन प्रिंटिंग की क्वालिटी हमें नहीं मिलती है। तो फोटो पेपर में जब भी आप प्रिंटिंग निकाले तो उसके लिए देखिए यहाँ पर पेपर टाइप का ऑप्शन दिया हुआ है। इस ऑप्शन में यहाँ पर आपको देखिए लिखा हुआ मिल जाता है प्लेन पेपर, यानी कि अभी जो पेपर है ये प्लेन पेपर के लिए है, लेकिन आप अगर फोटो वगैरह निकाल रहे हैं तो यहाँ से क्लिक करके आपको अपने पेपर का जो टाइप है वो चेंज कर लेना है। अगर आप फोटो पेपर में निकाल रहे हैं तो यहाँ देखिए एप्सन प्रीमियम ग्लोसी का ऑप्शन मिलता है, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद अगर आप ओके पर क्लिक करते हैं और प्रिंट करते हैं तो आपकी जो प्रिंटिंग है
वो बहुत ही डिजिटल क्वालिटी की निकलती है। अगर मान लीजिए कि आप नॉर्मल पेपर में ही प्रिंट कर रहे हैं तो इसे आपको प्लेन पेपर में ही रखना है। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, यहाँ मिलता है दोस्तों क्वालिटी का। याद रखिएगा, क्वालिटी हमेशा आपको स्टैंडर्ड ही रखना है। अगर आप सोचेंगे कि हाई क्वालिटी हम करके प्रिंटिंग निकालेंगे और दिखने में अच्छा लगेगा, तो याद रखिएगा नॉर्मल से जो प्रिंटिंग होता है वो थोड़ा सा डीप निकलता है लेकिन दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए आपको हमेशा अपनी सेटिंग को स्टैंडर्ड पर ही रखना है। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए दोस्तों, यहाँ आपको मिल जाता है, इस बॉक्स के अंदर आपको टिक कर देना है। अगर आप इस बॉक्स के अंदर टिक कर देते हैं, ओके पर क्लिक करते हैं, और अगर आप प्रिंट पर क्लिक करते हैं तो याद रखिएगा प्रिंटिंग से पहले आपके पेज का प्रिंट प्रीव्यू दिखाया जाएगा कि प्रिंटिंग होने के बाद आपका पेज कैसा दिखेगा। तो दोस्तों बाकी यहाँ पर और भी बहुत तरह के सेटिंग्स दिए हुए हैं, इनके साथ आपको छेड़खानी नहीं करनी है। आप अगर ये नॉर्मल सेटिंग ही सीख जाते हैं तो आप किसी भी डॉक्यूमेंट को अच्छी तरह से प्रिंट करके निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो कि कैसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में प्रिंट पेज का सेटअप करते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और इसी तरह के कंप्यूटर ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।